हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो एसक्यूएल व्यू है उसमें हम टोटल कैसे कर सकते हैं। बात करें माई एसक्यूएल की तो वहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल कैसे किया जाए। बात करें हम एसक्यूएल सर्वर की तो वहां पर भी हम देख चुके हैं, लेकिन अब डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो एसक्यूएल व्यू है उसमें टोटल कैसे करेंगे तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। यहां पर 2007 मैंने लिया है क्योंकि इजिली अवेलेबल है हर जगह, इसलिए मैंने 2007 यहां पे लिया है। और यहां पर देख सकते हैं ये जो कोडिंग हुई है ना, इसके फलस्वरूप ये जो डेटा है यहां पर फेच हुआ है। अब यहां पर आप चाहे तो इंसर्ट इनटू कमांड का प्रयोग करेंगे, एक अलग से क्वेरी बना सकते हैं, उससे आप इसमें वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा इसमें मतलब ये है वीडियो बनाने का कि मैं आपको ये बताऊं कि टोटल कैसे किया जाए, तो इसीलिए मैं यहीं से डेटा इनपुट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये डेटा हमने इनपुट करा और यहाँ पर इस तरीके से डेटा, अब यहाँ पे देखिए दो डेटा यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब हमको एक क्वेरी बनानी पड़ेगी जिसमें हम टोटल करेंगे, जैसे सब्जेक्ट 1, 2, 3 इन सब का टोटल आए। ठीक है, अब ये जो क्वेरी हमने बनाई वो कैसी है वो दिखा देता हूँ। देखिए ये जो क्वेरी है वो कुछ इस तरीके से लिखी गई है। इसमें स्कूल की स्पेलिंग देख लीजिए, जो टेबल बनी है स्कूल नाम से उसमें SCHHOL हो गया है। तो ये जो टेबल है स्कूल नाम से बनी हुई है, हम ये चाहते हैं कि टोटल भी होकर के आए। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर टोटल नाम का कोई भी कॉलम अलग से मौजूद नहीं है, तो हम चाहते हैं कि साथ साथ टोटल भी होकर आए, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो क्वेरी बनी इसको क्लोज कर देते हैं, ये टेबल भी क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इसको एसक्यूएल में ही आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल में ओपन करेंगे तभी इसका मतलब समझ में आएगा, अदरवाइज इसका तो मतलब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है। मैं फिर से वही काम करता हूं जो अभी मैंने किया, यहां पर जाकर के इसको क्लोज करता हूं, फिर वापस से एसक्यूएल पे आता हूं। सेलेक्ट क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले रोल नंबर, तो ये लिखा रोल अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, और रोल नंबर हो गया, फिर क्या देना है, कॉमा देना है, फिर यहाँ पर देना है नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स STUDENTS, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, थोड़ा भी मिस्टेक होगा चलेगा नहीं, क्वेरी में एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, आसानी बहुत है यहाँ पे एक्सेस में, आपको आसानी हो जाती है बहुत सारी चीजों की। ठीक है, सब्जेक्ट 1, 2, 3 है, तो यहाँ लिखा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, तो ये सब्जेक्ट 1, 2, 3 भी इसमें आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ कॉमा लगा करके फिर यहाँ आएंगे तो सब्जेक्ट 1, ये लिखा सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3, तो ये भी दे दिया हमने। और इसको एक नाम दे देते हैं एज टोटल, एज टोटल। ठीक है, फ्रॉम कहां से इसको सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम तो टेबल का नाम क्या है, SCHHOL स्कूल, और यहां से टर्मिनेशन दे दीजिए, बस ये काम हो गया आपका। यहां से रन करवाइएगा, यहां पर कुछ मिस्टेक है, एक मिनट देखना होगा, यहां पे देखिए ये जो सेमी कॉलन है वो मैं हटाना भूल गया, चलिए अब हो जाएगा ये, यहां से इसको रन करवाइए। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट के साथ आपको टोटल मिल रहा है, देख रहे हैं, इस तरीके से आप क्वेरी बना सकते हैं। ठीक है, बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है आपके लिए, जब भी आप बड़े सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो ये चीजें आपके लिए काफी मायने रखती हैं। तो उम्मीद करता हूं इससे आपको आसानी होगी काम करने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।